अस्सलाम वालेकुम गाइस, टुडे आई एम शेयर विथ यू अ रियल स्टोरी। ये स्टोरी अब मेरे कज़न ने मुझे सुनाई थी और ये असली में उनके दोस्त के साथ हुई थी। हम स्टोरी में रियल नेम यूज़ नहीं करेंगे, इसलिए मैं अपने कज़न के लिए यूज़ करूँगी, मौसमी भाई, और उनके फ्रेंड के लिए जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे उनके लिए मैं इस्तेमाल करूँगी मिस्टर ए। तो ये बात है उस ज़माने की जब मैं बहुत छोटी थी, यानी कि 6 to 7 ईयर्स की थी। तो हुआ कुछ यूँ, मेरे कज़न के पास एक तस्वीर थी, यानी कि वो मुझे इतनी गौर से याद तो नहीं पर थोड़ी थोड़ी सी मैंने देखी थी वो। तो उस तस्वीर के पीछे की कहानी उन्होंने मुझे बाद में सुनाई थी, जब मैं अभी 3-4 साल पहले सुनाई थी। तो दरअसल कुछ यूँ थी उस तस्वीर की कहानी, उसमें ना एक औरत थी। मैं आपको पहले कहानी सुनाती हूँ, फिर मैं उस तस्वीर के बारे में बताऊँगी। तो उसमें कुछ यूँ था कि मेरे दोस्त यानी कि मिस्टर ए जो थे अपनी फैमिली के साथ सुबह सुबह उठे, तो उनकी फैमिली ने प्रोग्राम बनाया कि आज हम घूमने जाएंगे। तो वो एक पॉइंट पे गए, यानी कि वो एक पॉइंट जहाँ पानी बीच टाइप का कुछ, तो लेकिन वहाँ पे एक ट्री था। सब ने मना किया कि कोई भी उस ट्री के पास नहीं जाएगा। मिस्टर ए को भी खास तौर पर मना किया गया कि आप मिस्टर ए इस ट्री के पास नहीं जाएंगे, लेकिन वो मिस्टर ए उस ट्री के पास चले गए और बड़े मज़े से मगरिब के टाइम जाके उस ट्री के ऊपर चढ़ के बैठ गए। फिर वहाँ पे तो कुछ नहीं हुआ, फिर वो उधर है, फिर वो घर, वो दरक से वापसी में उनके घर वाले उन्हें बुलाया और वो सब लोग घर पर वापस आ गए। फिर घर पर वापस आके वो सो गए, सब सो गए। जब सुबह वो उठे तो क्या मिस्टर ए उठ ही नहीं रहे। तो फिर सब लोग बहुत परेशान हो गए कि इनको क्या हो गया। फिर उन्होंने सब ने डिसाइड किया, तो उसमें कुछ यूँ था कि मेरे कज़न यानी मौसमी भाई के फ्रेंड मिस्टर ए की फैमिली ने डिसाइड किया कि आज हम घूमने जाएंगे। तो वो एक बीच पॉइंट यानी कि सी व्यू टाइप की कोई जगह पे गए, पानी की जगह पे गए। वहाँ पे उन्होंने अपना पूरा दिन अच्छे से स्पेंड किया, बहुत सारी तस्वीरें ली। तो वहाँ पे एक दरख्त था जिसपे सबको मना किया था कि उस दरख्त पर कोई नहीं जाएगा, लेकिन मिस्टर ए ने किसी की बात नहीं, मिस्टर ए ने बात नहीं सुनी और वो उस दरख्त पे जाके बैठ गए, वो भी मगरिब के टाइम। और वहाँ पे बहुत सारी तस्वीरें ली और फिर अपने दोस्त से कहा कि आप मेरी तस्वीर लो। तो उनके फ्रेंड ने उनकी तस्वीर ली, फिर सब कुछ सही था, उन्होंने खाना वाना खाया और वो पूरी मिस्टर ए की फैमिली रात को घर आ गए और सब सो रहे हैं। लेकिन जब सुबह सब उठे तो क्या देखते, मिस्टर ए उठ नहीं रहे। और जब उनकी नर्व चेक की गई तो वो इस दुनिया से जा चुके थे। तो सब लोग बहुत परेशान कि अचानक से इनकी डेथ कैसे हो गई। तो फिर उन्हें जैसे ही हम हॉस्पिटल लेके गए और उनका यानी को वो चेकअप हुआ, यानी ये पोस्टमार्टम हुआ एक तरह से, तो फिर हमें पता चलता है क्या कि उनके जो यानी कि उनका अंदर से यानी कि उनके अंदर से इंटीरियर ऑर्गन गायब है, यानी कि हार्ट अंदर से, यानी कि उनके बहुत सारे ऑर्गन्स गायब थे। किसी को उस वक्त तो समझ में नहीं आया क्या हुआ। फिर उनकी यानी कि उनका फ्यूनरल हो गया और इस वाक्य को थोड़े से अरसा गुजर गया। और वो जो उन्होंने उस दिन पिकनिक पे मिस्टर ए की फैमिली ने जो तस्वीरें ली थी, फिर वो एकदम निकली तो फिर उनसे धुलवाया, जैसे कि आप जानते होंगे पहले तस्वीरों को धुलवाया करते थे। तो जैसे कि वो धुल के वापस आई तो क्या देखते हैं कि उस तस्वीरों में, सारी तस्वीरें तो नॉर्मल थी पर एक तस्वीर थी जिसमें मिस्टर ए उसी दरख्त पर जाके बैठे थे जिस पर सबने मना किया था कि इसके पास कोई नहीं जाएगा। तो वो क्या देखते हैं, मिस्टर ए दरख्त के ऊपर बैठे हैं और उनके पीछे बड़ी सी औरत उसके लंबे लंबे बाल उन पर ऐसे हाथ ऊपर करके खड़ी हुई है। तो ये देख के तो सब लोग बहुत हैरान हो गए और मेरे कज़न यानी कि मौसमी भाई वो तस्वीर लेके बड़े मज़े से अपने घर आ गए। और फिर क्या, उनके साथ भी इसी अलग अलग वाकयात होने लगे। जब उन्होंने ये बात अपनी अम्मी यानी मेरी पुप्पो को बताई तो उन्होंने उस पर बहुत सारा गुस्सा किया और वो तस्वीर फेंकवा दी। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो मैं आपके लिए हर वीक में एक स्टोरी टाइम वीडियो लाऊँगी। प्लीज़ सपोर्ट मी। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।